नमस्कार, poonamrathi.com में आपका स्वागत है। टेस्टी एंड बेस्टी रेसिपीज के आज के एपिसोड में हम बनाएंगे रवे के लड्डू। रवे के लड्डू सभी को खाने में बहुत ही पसंद है। आज हम देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से सॉफ्ट और स्वादिष्ट लड्डू बनाने की रेसिपी। लड्डू बनाने के लिए हम लेंगे 2 कप रवा, 1.5 कप चीनी, 1/2 कप घी, 1/4 कप बेसन, 3/4 कप पानी, केसर, इलायची पाउडर, 4 से 5 काजू के टुकड़े, किशमिश। ये कप से मैंने रवा और बाकी के मेजरमेंट लिए हैं। सबसे पहले पैन में घी लेकर मेल्ट करेंगे। घी मेल्ट हो गया है, अब हम रवा ऐड करके भून के लेंगे। रवा हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। गैस का फ्लेम स्लो मीडियम रखेंगे। इस तरह से हमें कंटिन्यू चम्मच की सहायता से भून के लेना है। हमें ध्यान देना है रवा कढ़ाई के तले पर लग न जाए। रवे का कलर चेंज हो गया है, अब हम उसमें बेसन ऐड करके थोड़ा और भून के लेंगे। अपने पसंद अनुसार इसमें केसर, इलायची पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम काजू के टुकड़े अपने पसंद अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। मिश्रण भून के रेडी होने लग गया है। बहुत ही अच्छी महक आ रही है। ये हो गया मिश्रण रेडी। अब चीनी और पानी ऐड करके हम चाशनी बनाएंगे। गैस का फ्लेम स्लो मीडियम रखेंगे। चीनी पानी में मेल्ट हो गई है, पानी को अच्छी उबाल आ गई है। हमें एक तार से थोड़ा कम पाक बनाना है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और 3 से 4 मिनट तक पाक को ठंडा होने के लिए रखेंगे। पाक हम नॉर्मल टेम्परेचर में ही रखा था। अब हम रवे के मिश्रण में पाक को ऐड करेंगे। मिश्रण 1 घंटे तक कढ़ाई में ऐसा ही रखेंगे और मिश्रण गाढ़ा होने के बाद हम लड्डू बनाएंगे। चीनी की चाशनी मिश्रण में अच्छी तरह घुल गई है, मिश्रण गाढ़ा हो गया है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। लड्डू आप अपने पसंद अनुसार स्मॉल से लेके मीडियम साइज तक बना सकते हैं। इस तरह से हमें लड्डू बनाना है। ऊपर गार्निशिंग के लिए हम इस तरह किशमिश ऐड करके वापिस हम एक बार इसको मिक्स करके लेंगे। आप बादाम पिस्ता की कतरन भी गार्निशिंग के लिए यूज कर सकते हैं। यह हो गए सॉफ्ट और स्वादिष्ट रवे के लड्डू रेडी। मैं आशा करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप ट्राई कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।